पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, पुस्तकें समाज को बदलती हैं, पुस्तकें नई सृजन की ताकत बढ़ाती हैं। बाड़मेर के एक व्यक्ति के साथ आज हम मुलाकात करेंगे। उनका परिचय देने से पहले उनके बारे में यह जानना ज़रूरी है कि नर्सिंग से जब कैरियर का शुरुआत किया, उसके बाद सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के साथ समाज की सेवा की और अब पुस्तक के माध्यम से वे एक बार फिर से समाज के बीच में हैं। इस बार नई दुनिया के मार्फत उन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखने की कोशिश की है। रणवीर सिंह भादू हमारे साथ हैं। नाम बाड़मेर के लोगों के लिए और बाड़मेर को जानने वाले लोगों के लिए नया नहीं है। रणवीर जी से आज हम बात करेंगे और इस पुस्तक के साथ साथ इस पुस्तक के लिखने के कारण क्यों ये उनके दिमाग में आई और इस पुस्तक को जब वो जनता के सामने लेके गए तो उनको किस तरीका रिस्पॉन्स मिला, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले तो रणवीर जी, बहुत बहुत बधाई आपको नई दुनिया पुस्तक के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये पुस्तक जो आपने लिखी है, ये अवधारणा कैसे बनी कि एक नई दुनिया पुस्तक को लिखना चाहिए और इसमें क्या क्या समावेश किया गया है? जी जी जी, इसमें ये परिकल्पना इस प्रकार बनी कि अभी वर्तमान समय के अंदर हमारा युवा भटक चुका है राह से, वह बहुत त्रस्त है, वह बहुत दुखी है। हमारे बहुत सारे युवा और युवतियाँ, अभी आपने आंकड़े देखे होंगे पिछले साल भर के अंदर, बाड़मेर के अंदर बहुत आत्महत्याएं भी बढ़ी है। बाड़मेर के अंदर इतना रेशियो इनका बहुत बढ़ चुका है। दूसरा, परिवारों में भी आपसी मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, भाई भाई का आज दुश्मन बनता जा रहा है। व्यक्ति इतना स्वार्थी और अहंकारी हो गया है कि उसको स्वयं के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों को लेकर ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको रोकेगा कौन? कोई ऊपर से तो आएगा नहीं, हमें से ही किसी को इसकी पहल करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेगा। आज किसी मंच पर इसकी समाधान हेतु कहीं कोई चर्चा या रोकथाम के प्रयास नहीं हो रहे। तो इस कारण से मेरे मन के अंदर ये लगा कि मैं ऐसी एक नई दुनिया की परिक्रमा की है इस पुस्तक के माध्यम से, जहाँ लोगों में आपसी इतना प्रेम भाव हो, प्रेमी प्रेम हो, कहाँ जहाँ कोई नफरत नहीं हो, हिंसा नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो, क्रोध नहीं हो, अहंकार नहीं हो, सबसे भाईचारा और मिलकर एक ऐसा सुंदर अपन समाज बनाएं, इस राष्ट्र का निर्माण करें, ऐसी नई दुनिया जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, ये परिकल्पना इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक में पति पत्नी, भाई, सास बहू सबको समाहित किया गया है। रिश्ते आज पहली बात तो ये कि हम ये देखते हैं कि आज एकल परिवार ज़्यादा हो गए, संयुक्त परिवार भी नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों में अब ये स्थिति रह गई है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लग गए हैं। तो ये पुस्तक किस तरीके से उनको इस स्थिति से बाहर निकाल पाएगी? जी जी, इस पुस्तक के अंदर मैंने वह सारी चीज़ें लिखी है कि किन वजह से व्यक्ति में तनाव आ रहे हैं, वो कौन से कारक है, उन कारकों को मैंने इसमें स्थापित किया है कि ये कारक रहे हैं हमारे तनाव के। और इसमें मैंने समाधान भी दिए कि ये समाधान है, साथ में मैंने समाधान बताया स्थितियाँ क्यों बनी तनाव की और अब इसके क्या समाधान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस पुस्तक में मैंने समाधान भी बताए हैं। निश्चित रूप से यदि इस पुस्तक को जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, वह अपने व्यवहार में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और उसके घर परिवार के अंदर वह बदलाव आएगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। रणवीर जी, 7 वार होते हैं, आपने एक 8वां वार भी इसमें एक लिखा है। जी, 7 वार दुनिया ने सबने सुने हैं, परंतु इन 7 वारों से महत्वपूर्ण वार जो है वह है परिवार, 8वां वार परिवार है। आजकल 7वां वार मतलब 8वां वार खराब है तो आपके 7 ही वार खराब रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर पाएगी। और 8वां वार अच्छा है तो 7ों ही वार आपके अच्छे रहेंगे। इसलिए मैंने इसके माध्यम से ये कहा है कि आप 7 वारों की पूजा करें कि नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 8वें वार की पूजा जरूर करें। जिस भाई ने भी 8वें वार की पूजा कर ली है, निश्चित रूप से उसके 7ों ही वार अच्छे रहेंगे। समृद्धि के लिए व्यक्ति क्या करें? आपने इस पुस्तक में कई जगहों पर एक सलाह दी है कि अगर ये किया जाए तो इसमें काफ़ी बदलाव हो सकता है। और आप क्या मानते हैं कि समाज का जो एक स्तर जो सोचने का है वो दिनों दिन निम्न होता जा रहा है, वजह क्या मानते हैं आप? आपने क्या इस पुस्तक के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया? जी जी जी, सारी स्थितियां इस कारण से आई है सर कि पहले व्यक्ति प्रेम को पहले स्थान पर रखता था, अब स्थितियां वर्तमान समय के अंदर स्वार्थ पहले स्थान पर आ गया है, प्रेम दूसरे स्थान पर, रिश्ते दूसरे स्थान पर, संबंध दूसरे स्थान पर आ गए, स्वार्थ पहले आ गया है। तो इस स्वार्थ के कारण से व्यक्ति अंधा हो चुका है, उसको कुछ भी नहीं दिखता अपने सिवाय। तो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, आमजन के अंदर मैसेज ये देने का प्रयास किया है कि आप इस स्वार्थ को त्यागिए,
जिस इस लेकिन कैसे त्याग है? आज का जब भौतिक युग है, आर्थिक युग है, लोग पैसे के पीछे इस तरीके से बौखलाए, पागलपन उनका आ चुका है कि उनको परिवार, समाज इनसे कोसों दूर चले गए, वापस कैसे लाएंगे? क्योंकि जब उनकी जो मानसिकता है वो पैसा भौतिक वार इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा जब तक उसकी मानसिकता, तब तो उस दायरे से बाहर कैसे निकले वो लोग? उस दायरे से बाहर हमें वातावरण निर्माण करना पड़ेगा इसका। इस हेतु केवल एक पुस्तक ही ये काफ़ी नहीं होगी, इस हेतु सभी लोगों को मिलकर एक वातावरण ऐसा निर्माण करना पड़ेगा हमें इस, और बहुत ज़रूरी हो गया सर, ये बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छाई का वातावरण निर्माण नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर ये जातिवाद एक इस प्रकार का घर के अंदर, युवाओं के अंदर हो गया है कि देश के टुकड़े कर सकते हैं ये जातिवाद। लेकिन सर, राजनीति सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि समाज में अगर किसी भी तरीके से कोई भी आज गलत चीज़ हो रही है, चाहे युवा वर्ग का आक्रोशित होना हो, चाहे आम जनता का आक्रोशित होना हो, तो राजनीति इसमें बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो जब तक राजनीति के अंदर अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक क्या आपको लगता है कि हम वो परिवर्तन जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो हो पाएगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के समय के सटीक है एकदम आपने अभी ये प्रश्न किया, क्योंकि अभी जो स्थितियाँ बनी हैं, बन रही है पुराने समय और वर्तमान में, इसके पीछे का कारण ही राजनीति है। ये सारी स्थितियाँ राजनीतिक दलों की स्थापना जिन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर की थी, वो सारे राजनीतिक दल उन मूल्यों और सिद्धांतों और नीतियों से हट चुके। अब सारी चीज़ें इन कारकों को बढ़ाने के पीछे ये राजनीतिक दल ही है। युवाओं का भविष्य अभी राजनीतिक दल ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि वह युवाओं को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, और जब युवाओं को जरूरत पड़ती है तब वो उनको छोड़ देते हैं। अभी क्योंकि देश की सारी नीतियाँ, सारी पॉलिसी, सारे लॉज ये राजनीतिक दल तय करते हैं, निश्चित रूप से देश का भविष्य इनके हाथों में, ये निर्धारण करते हैं, प्रजा इनका अनुसरण करती है। तो जिस जगह यदि राजनीति के अंदर अच्छा व्यक्ति जाएगा तो ही अच्छाई फैलेगी। लेकिन सर, अच्छे लोग तो राजनीति से दूर भाग रहे हैं कि साहब ये तो गंदगी है, इसमें हम हाथ नहीं डालेंगे। ये ही बड़ी कमजोरी है, लोगों ने सज्जनता को खूंटी के ऊपर टांग दिया है, अच्छे लोग दूर हटते जा रहे हैं। और अब हमें ये प्रयास करना, मैंने इस पुस्तक के माध्यम से भी संदेश देने की कोशिश की है कि अब वापिस अच्छे लोगों को, राष्ट्रभक्त लोगों को, जो जातिवाद से ऊपर उठे हुए हैं, जो केवल मात्र इस प्रकृति के लिए कुछ चाहते हैं, सेवा करना, ऐसे लोगों को अब आगे आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, घर के सुख साधन, सारे सुख सुविधाएं छोड़कर इस तपती धूप के अंदर, इस मानव के लिए, इस राजनीति को अच्छा बनाने के लिए हम अच्छे लोगों को आगे कोई लाना पड़ेगा। नहीं आएगा तो अपने आप किसी को आगे आना पड़ेगा। आप खुद कई संगठनों से जुड़े रहे, सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे, राजनीतिक दलों से आपका निकटता रही है, तो क्या 2019 में ये समझे कि रणवीर सिंह भादू भी राजनीति में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बाड़मेर कि राजनीति को अच्छा बनाने के लिए, मैं केवल बाड़मेर की बात करूंगा, बाहर की बात नहीं करूंगा, तो बाड़मेर की राजनीति को अच्छा बनाने के लिए निश्चित रूप से यदि बाड़मेर की जनता ने चाहा तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा, और कोई भाई ऐसा आ रहा है आगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, नहीं तो मैं खुद आऊंगा राजनीति के अंदर और इस राजनीति को अच्छा बना के रहूंगा, और यहाँ प्रेम और भाईचारे का वातावरण निर्माण करेंगे। यहाँ सारे दल है वो बिल्कुल एकदम से सब एक दल में, प्रजा दल यहाँ बना रहेगा आने वाले। कब तक उम्मीद करें ये घोषणा कब तक हो रही है? ये बस चंद ही दिनों के अंदर आपको स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, एक पुस्तक लेखक, और उसके बाद अब राजनीति को वापस प्योरीफाई करने के लिए रणवीर सिंह भादू बहुत जल्दी राजनीतिक एक ऐलान कर सकते हैं। जी सर, क्योंकि जब जब इस भारत राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं, तो हमें चाहे हम कितना भी, चाहे हमारा धंधा है, रोजगार है, चाहे किसी भी महत्वपूर्ण पद है, उसको त्याग कर पहले इस राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायावर करना चाहिए राजनीति के माध्यम से, और राजनीति ही एक वह माध्यम है, वह अच्छा बन गया तो राष्ट्र अच्छा बनेगा। इसलिए मैं मेरी सारी उन सुविधाओं को, उन पदों से मुक्त होकर मैं इस राजनीति को अच्छा बनाने के लिए राजनीति के अंदर आ रहा हूँ। ये पुस्तक कहाँ मिलेगी? लोग अगर कोई देखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो क्या इस पुस्तक को वो पा सकते हैं?
जी, ये पुस्तक फिलहाल तो बाड़मेर की बाजार के अंदर है, उपलब्ध है मार्केट के अंदर सभी लगभग पुस्तक भंडारों पर, और जल्द ही ये पुस्तक आपको इसके अपने ऑनलाइन बिल्कुल मिलेगी। 5-10 दिनों के अंदर अंदर ही इसको ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी और बहुत बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं नई दुनिया और राजनीति की जो नई दुनिया है उसके जी लिए। नमस्कार, जी नमस्कार। ये थे रणवीर सिंह भादु, किसान हॉस्टल में जब वार्डन थे तब से पूरे बाड़मेर के अंदर रणवीर सिंह भादु का नाम जाना पहचाना गया है, और अब जब इन्होंने पुस्तक लेखन के साथ साथ अब राजनीति के मैदान में भी ये बात कह दी है कि राजनीति का जो ये मैदान है वो बड़ा गंदला हो चुका है, अब इसको डिटर्जेंट के साथ धोना ज़रूरी है, तो अब बहुत जल्दी जो आगामी चुनाव है इसमें रणवीर सिंह भादु एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं, जो अभी इन्होंने थोड़ी ही देर पहले कहा है। ये बात सही है कि राजनीति में इन दिनों अच्छे लोगों का आना बिल्कुल कम हो चुका है, राजनेता भी मानते हैं, अच्छे जो लोग हैं समालोचक आलोचक वो भी मानते हैं कि अगर राजनीति को शुद्ध करना है तो राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि नई दुनिया जो एक पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बाड़मेर के लोगों के साथ साथ आम जनता में एक नया संदेश देने का प्रयास किया है, राजनीतिक मैदान में ये संदेश इनका कितना प्रभावी होता है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।